आलोक शर्मा जी, अगर बीजेपी के किसी मंत्री के पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ बरामद होते तो आपकी आक्रमक मतलब आपका जो आक्रामक अंदाज है वो कुछ और ही होता आज। लेकिन चूंकि देखिए ना, वही हाल है आपका, चूंकि आपके गठबंधन के साथी हैं तो आप उनके लिए भी बैटिंग करने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं जांच हो, लेकिन यही अगर बीजेपी के किसी मंत्री के पीए के नौकर के घर से मिलता तो आपके आक्रामकता का स्तर कुछ और नहीं होता आलोक जी? आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोग लोकतंत्र को जो खरीदने निकलते हैं पैसों के दम पर, वो सारी लाइनें जो आपकी आती हैं एकदम धारा प्रवाह बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, वो आज भी आपको बोलना चाहिए? मैं बिल्कुल आज भी बोल रहा हूं। मैं 3 एग्जाम्पल देता हूं। पूरे देश को गुमराह किया इसी सरकार ने और आज भी कर रहे हैं कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G में हुआ। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने सब कुछ दिखाया, 2.5 महीने तक संसद नहीं चली। उसके बाद क्लीन चिट किसने दी? इसी बीजेपी की सरकार ने। जिस समय पर नोटबंदी हुई, 13,000 करोड़ रुपया अहमदाबाद में एक बीजेपी के लीडर के यहाँ मिला था। वो बीजेपी का लीडर कहाँ है आज देश को नहीं पता है। हम तो उस दिन भी धारदार थे, आज भी धारदार हैं। नोटबंदी में कितना पैसा अहमदाबाद डेवलपमेंट बैंक जो था उसमें जमा हुआ कैश, वो भी पिछले एक हफ्ते में, उसकी जांच कभी ईडी सीबीआई करेगी? तो वो पैसा कहाँ से आया है? धीरज साहू का नाम सबने लिया। आज आप नोट की गड्डियां गिरती हुई दिखा रही हैं। धीरज साहू के बेसमेंट में भी आपने सभी चैनल्स ने दिखाई थी कि गड्डियां गिर रही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अपना पूरा हिसाब दिया जहां तक मेरी जानकारी है, और एक दिन भी ईडी सीबीआई ने उनको अपने पास रखने की कोई जहमत तक नहीं उठाई। आज बात आती है कि 41 कंपनियां ऐसी थी जिनको 2,471 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जिन्होंने बीजेपी को दिया, और उनके पास ईडी सीबीआई कब जाएगी कि जिनका 2 करोड़ का प्रॉफिट था और 138 करोड़ रुपए वो बीजेपी को दान में चंदे के रूप में दे रहे थे। आज हालत यह है कि नोटबंदी के टाइम पर 14 लाख करोड़ रुपया कैश ट्रांजेक्शन था, आज 30 लाख करोड़ है। क्या ये सही नहीं है? तो ना तो नोटबंदी की जांच हुई, ना नोटबंदी में कितना पैसा जमा हुआ वो पता चला, ना नोटबंदी में कहां से किसका, बीजेपी वाले लीडर्स का पैसा आया उसकी जांच हुई। लेकिन यहां इतना जरूर है कि 30 करोड़ रुपया मिल गया तो पूरे हिंदुस्तान के चैनल्स को दिख रहा है कि नोट की गड्डियां गिर रही हैं और सब गदगद है। लेकिन क्या जो गदगद वाली बात, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड से सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाचा लगाया था इस सरकार के ऊपर कि इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब किसी ने भी कहा कि यहां पर जाकर जांच होनी चाहिए? क्या इन तमाम कंपनियों के खिलाफ FIR होकर रेड नहीं होनी चाहिए कि चाहे वो कांग्रेस को उसने पैसा दिया हो, चाहे किसी को दिया हो? एक इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज आई थी कि 25 में से 22 कंपनियां ऐसी थी जिनके ऊपर या तो ईडी की रेड चल रही थी, या रेड बंद हो गई थी, या बंद कर दी गई। रेड होती है, अगले हफ्ते पैसा पहुंचता है, फिर 3 महीने बाद दोबारा रेड होती है, फिर 1 हफ्ते बाद फिर पैसा पहुंच जाता है। मुझे लगता है कि बहुत गंभीर विषय है ये कि जिस तरह से सेलेक्टिव अप्रोच, कल चुनाव है, कल वोटिंग है, आज कार्रवाई हो रही है। अब अंजना जी, आज कार्रवाई ना हो, हाल है? ये नोट का मिलना आपको ये भी गलत लग रहा है? ये नोट वहां पर पड़ा रहता, छिपा रहता तो बेटर होता। एक सेकंड आलोक जी देखिए, कुछ बातें होती हैं जो कि एकदम अस्वीकार्य होती हैं। जब धीरज साहू के घर से पैसे मिले थे तब भी चैनल्स ने, मतलब आज तक ने दिखाया था। सुनिए ना, जब हम लोग आज दिख रहा है तब भी था, और जब इलेक्टोरल बॉन्ड था तब तो आप ही ने मेरे साथ कितनी बहस की है। लेकिन एजेंसीज की कार्रवाई रुकने की क्या जरूरत है? मतलब पैसे की बरामदगी हो रही है तब भी आप कह रहे हैं कि गलत है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली कंपनियों के यहाँ ईडी सीबीआई गई? मैं आज तक के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, आज तक ने दिखाया। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ईडी सीबीआई ने क्या उनके यहाँ पर एक भी रेड दी? जवाब दीजिए, क्या वहाँ पर एक भी चिट्ठी गई उनके यहाँ? और जो एमएलए महाराष्ट्र है, आप हाल देखिए कि इतना बड़ा चोरी का पैसा मिला और इनको दर्द किस बात का है कि ये पकड़ा क्यों गया? ये चोरी का पैसा पकड़ा जाना दर्द का विषय होता है? ये दिखाता है कि इन लोगों ने करप्शन को और जो ब्लैक मनी की पैरेलल इकोनॉमी है उसको ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं देश के अंदर में। उनको प्रधानमंत्री से क्या प्रॉब्लम है कि ऐसा प्रधानमंत्री आया है इस देश में जो बोलते हैं भाई मुझे सिफारिश मत कर देना, आप अगर चोर हो तो आप अंदर जाओगे, आप जाके जेल का रोटी खाओगे। प्रधानमंत्री इसमें एकदम क्लियर है, चाहे आप बैंक का लोन लेके रखे हुए हैं, नहीं दे रहे हैं, कोई भी चीज हो,
गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जीरो है उसके अंदर में। अब रही बात जहां तक केसेस की, भाई केसेस का तो प्रक्रिया होता है, वो चलता है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा से लोग बहुत परेशान रहते हैं, उन पे तो कभी कोई केस ही रजिस्टर नहीं हुआ आज तक, वो बेचारे लिख लिख के चैलेंज करने के बताओ कौन सा केस है। पर क्योंकि वो राहुल गांधी का रियल चेहरा देश को दिखाए, तो ये तो इनको पच नहीं रहा है। इनको 30 करोड़ का पैसा दिख रहा है कि वेलफेयर स्कीम में जो पैसा लगना था वो एक पीए के नौकर के घर में है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए पहुंच चुके हैं। अब बोल रहे बड़ा गलत हुआ इनकम टैक्स और ये सीबीआई और ये सब मोदी जी के कहने पे चल रही है। भाई चोरी का पैसा नहीं पकड़ेगी तो किसका पैसा पकड़ेगी? एजेंसीज का काम है। हमारा जब संविधान बना था तो सबका रोल उसमें डिफाइंड है, जुडिशियरी का रोल डिफाइंड है, इलेक्शन कमीशन का रोल डिफाइंड है, वैसे एजेंसीज का भी रोल डिफाइंड है। सीआरपीसी और आईपीसी जो बना था वो बिल्कुल लॉ को क्लेरिफाई करता है क्या करना है। तो चोर को नहीं पकड़ेंगे तो किसको पकड़ेंगे? और आपको इस पे तकलीफ हो रही है? आप लोग किस, आपको तो आते ही बोलना चाहिए कि बहुत दुख का बात है कि जो पैसा गरीबों के बीच में होना चाहिए था उनके काम में हो जाए वो पकड़ा गया है। आपको मोदी जी को आके मुबारकबाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए कि आपने ऐसे देश का निर्माण कर दिया है 10 साल के अंदर में जो किसी भी तरह से चोरी को बर्दाश्त नहीं करता है। आज आपको हर एजेंसी ऑफिसर को थैंक यू बोलना चाहिए, चाहे वो बंगाल में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कर्नाटक में हो। 1,26,000 करोड़ रुपया पब्लिक का जो लूट के रखा था लोगों ने निकाला, कैश सीजर है, कैश सीजर है, प्रॉपर्टी और इसकी नहीं है। ये कितना बड़ा उपलब्धि है। और आप इसको आके चैनल पे बोल रहे हैं, वो भी आज तक जैसे बड़े चैनल पे बोल रहे हैं कि बड़ा गलत हुआ है। इस तरह की राजनीति को न ले जाए। आज सारे लोगों को बधाई देनी चाहिए एजेंसी को कि इलेक्शन के समय जो पैसा जाता वोटर को खरीदने के लिए, गरीबों को बहलाने के लिए, वो पैसा पकड़ा गया है। आज एजेंसी जो है उनको हमें बधाई देनी चाहिए कि हमारा जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है उसको हम लोग बचा रहे हैं। ये गलत पैसे, गंदे पैसे, चोरी के पैसे को हम रोक के रखे हुए हैं, ये हमारे लिए उपलब्धि है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है, तभी भारत। आलोक जी, अब आपकी बारी, आप जवाब दीजिए उनकी बातों का। सवाल है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपका भी दोहरा रवैया नहीं हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप दहाड़े और जब आलमगीर आलम मंत्री झारखंड सरकार के पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ मिले तो आपके तलवार की धार कुंद हो जाए। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है बिल्कुल भी धार कुंद नहीं है। मैंने सबसे पहला सेंटेंस यूज किया कि जो कार्रवाई करनी है करें, तमाम एजेंसीज कर रही हैं कार्रवाई, क्यों नहीं करेंगी वो एजेंसीज कार्रवाई? लेकिन जो लोग कहते थे कि स्विस बैंक से हम काला धन लाएंगे और कांग्रेसियों का लूटा हुआ है, स्विस बैंक में तो डबल पैसा हो गया ना, तो स्विस बैंक में जो डबल हो गया उसका जिम्मेवार कौन है? स्विस बैंक के काला धन के धारकों के नाम पर आपने 2014 का चुनाव लड़ा, मैनिफेस्टो के 5वें पेज पर 6ठा पॉइंट क्या लिखा था कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे, कानून में बदलाव लाएंगे और बदलाव लाके 15-15 लाख तो सबके अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे। वही को लाला रामदेव घूम रहे थे यहां पर, वो कह रहे थे 4 लाख करोड़ रुपया बाहर जो है काला धन छुपा हुआ, वो कहां चला गया? अभी झूठ बोला गया आज तक पर कि 1,26,000 करोड़ कैश पकड़ लिया ईडी सीबीआई ने। कहां से ज्ञान लेकर आते हैं? प्रॉपर्टीज अटैच हुई हैं और एक भी केस 2014 के बाद, अंजना जी मैं आज तक के दर्शकों को कहता हूं सोचिएगा कि एक भी केस जो मोदी की सरकार ने किया हो और उसमें एक भी व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो और उसमें कांग्रेसी कोई हो तो उसका नाम बताएं मुझे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कैश ट्रांजैक्शन डबल हो गया, आपने पूरी तरह से पीएमएलए के में ऐसे प्रावधान कर दिए कि आपने सरकारें गिराई, 50-50 खोखे के नारे विधानसभा के बाहर लगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड सभी सबके सामने, हमारी कोई कुंद नहीं है बातचीत। हम कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्टाचारी सरकार अगर कोई है तो वो मोदी जी की सरकार है। जिस दिन राफेल की जांच होगी, जिस दिन नोटबंदी की जांच होगी, जिस दिन पिगेसिस की जांच होगी, आधी बीजेपी जेल के अंदर चली जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जांच एजेंसीज उनकी मुट्ठी में ठीक है और जांच एजेंसीज के माध्यम से उनको जो कराना है कर लेते हैं।